बॉनी ब्लॉग। सो गाइस, मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रखा था और अभी कर रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अभी थर्मोकी लैब में आया था। देन हमारी थर्मोकी लैब और जो ऑटोमोबाइल लैब है वो कंबाइंड है, मतलब एक ही उस बिल्डिंग में। तो देन यहाँ देख रहा हूँ मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ये हमारी गाड़ी के सस्पेंशन जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं वो है, जो हमारे कार वगैरह में फ्रंट व्हील में रियर व्हील में रहते हैं ये वो है। और वैसे अंकित क्या चीज़ है ये है? डेमोंस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इग्निशन, ये इग्निशन कॉइल है, मतलब कि हमारी डेमोंस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम ऑफ फोर व्हीलर्स, मतलब हमारे जो भी फोर व्हीलर्स हैं तो उन पे जो हमारे हम जैसे इग्निशन ऑन करते हैं ना, इग्निशन ऑन करने मतलब गाड़ी स्टार्ट करना बोलते हैं जिसको हम लोकल लैंग्वेज में, तो कैसे स्टार्ट होता है ये, मतलब उसका पूरा सर्किट है गाड़ी के अंदर, पूरा ऐसा होता है। हम तो आप गाड़ी में हम क्या करते हैं, गाड़ी में हमने चाबी लगाई बस स्टार्ट कर दिया, बट उसके अंदर का मेन काम कौन करता क्या होता है वो पूरा ऐसा सर्किट बने रहता है। और बाकी ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है ये। और एक चीज़ है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि गाड़ी के बीचों बीच में लगा रहता होगा, ये नहीं लगा रहता है, देखो ये स्टीयरिंग सिस्टम हमारा, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम है। अंकित इसका नाम क्या बोलेंगे? और ये रियर व्हील का सस्पेंशन सिस्टम है। सस्पेंशन सिस्टम मतलब वही कि मतलब जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, लोड पड़ता है तो हमारी गाड़ी नीचे को दबती है, या कहीं पर शॉकर जो हम शॉकर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि कहीं पर खड्डे वगैरह में जाती है, लोड पड़ता है तो हमें एकदम झटके नहीं लगते हैं, पूरे जो गाड़ी पे आने वाले स्ट्रेसेस हैं लोड हैं वो सब ये सस्पेंशन सिस्टम अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ये आई थिंक ये सोलर पावर से चलने वाली कोई गाड़ी का मॉडल बना रखा है ये मनोन भाई, इसको करना है ये, इसमें पूरा दिखाया गया कि कौन क्या चीज़ है। ये यहाँ पर इसका स्पार्क प्लग है, ये इग्निशन कॉइल हो गया, और ये ब्रेकिंग फ्यूज वगैरह हो गया, और इसके भी नाम कुछ लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये फ्यूल फ्लोटिंग वगैरह हो गया, रिजर्वायर गियर, मतलब सारे सिस्टम ऐसे गाड़ी में बिछे रहते हैं वो। और ये इसका ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, एंड ये इंजन फोर स्ट्रोक है, कितना स्ट्रोक है? टू स्ट्रोक। और ये हमारा फोर स्ट्रोक पेट्रोल है ना, पता नहीं है इसमें लिखा नहीं है, पर ये फोर स्ट्रोक इंजन है। और ये फ्लाई व्हील हो गया, इसमें एक फ्लाई व्हील ही याद आ रहा है, दिख रहा है मेरे को, सिक्स सिलेंडर है, कहाँ लिखा कितने है रे? ये अपना फ्लाई व्हील वगैरह हो गया, एंड आई थिंक ये टर्बाइन जैसा पता नहीं क्या है, अब इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, नहीं टर्बाइन नहीं है यार, ये हमारा गाड़ी का गियरिंग सिस्टम का है, मतलब गाड़ी के, हाँ ये गाड़ी का जो हमारे फोर व्हीलर होते हैं उनका गियरिंग सिस्टम का है, जैसे ना हम इसको लीवर को, ये लीवर है, इसको हमने क्लच दबाया, क्लच दबा करके गियर चेंज करते हैं, देन ये उससे रिलेटेड है हमारा, जो गाड़ी के गियर चेंज होते हैं वो है ये पूरा ऐसा है। एंड ये वही है कि ये फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, ये फ्यूल फिल्टर हो गया, ये अपना फ्यूल इंजेक्टर हो गया, ये हमारा फ्यूल टैंक हो गया, ये मतलब पूरा डेमोंस्ट्रेशन देखा है कि हमारा जो फ्यूल टैंक होता है वो कैसे काम करता है, मतलब जो हम गाड़ी टैंक में तेल डालते हैं वो डायरेक्ट इंजन में नहीं जाता, पहले फ्यूल टैंक में जाएगा, उसके बाद फ्यूल फिल्टर में जाएगा, देन आफ्टर दैट फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा, फिर वो पंप वहाँ से सप्लाई करके फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा, और फ्यूल इंजेक्टर के बाद फिर जाएगा आपके पिस्टन सिलेंडर के अंदर। और ये है आपका डीजल इंजन का, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में होता है। एंड ये पुराने ज़माने की गाड़ी, ये UP01 नंबर है, मतलब सन 2000 से पहले की ये गाड़ी है, और 01 अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, और यूपी मतलब तब उत्तराखंड और यूपी अलग अलग नहीं हो गए थे, लेने उस टाइम की गाड़ी है। और ये इसके अंदर का पूरा सीट वगैरह तो सब निकाल दिया। और ये रही एम्बेसडर कार, जैसे मैं बता रहा था UP01 मतलब उस टाइम पे उत्तराखंड का था, मतलब उस टाइम पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग नहीं होते, तो यूपी और 01 अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड सरकार और हिंदुस्तान मोटर्स, हर चीज़ मत खोल यार तू। एंड ये रही अपनी एम्बेसडर कार, उस टाइम की लग्जरियस सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली ये, हे बाबा ये रही ये। और कुछ ये है इंस्ट्रूमेंट, जनरेटर वगैरह हैं, ये जनरेटर वगैरह, ये ट्विन सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन टेस्ट रिंग है, सेंट्रीफ्यूगल एयर ब्लोअर रिंग है, और जो ये दिख रहा है फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर डीजल इंजन टेस्ट रिग, मतलब इसमें चेक होगा कि हमारा कितना पावर निकल रहा, कितने लॉसेस वगैरह हो रही, मतलब लैब में सारा होता है ऐसे, बाकी ये फ्यूल टैंक वगैरह है। और वही वाला ये है फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन टेस्ट रिग, बाकी भी बताने का टाइम नहीं है क्योंकि सर बाहर से देख लिया तो डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ने को दे रखा और हम पढ़ना छोड़ के कर रहे हैं।
ये थर्ड ईयर वाले लगे हैं अपने सीनियर ऐसे। सो गाइस लैब इज ओवर, तो अभी हम जा रहे सब हॉस्टल, क्योंकि अभी लंच के बाद शायद लैब ही थी हमारी, शायद क्या कन्फर्म ही लैब थी, दो से चार लैब थी तो लैब गई। तो ये कुत्ते के बच्चे को पकड़ के खुश हो गए, वही सिस्टम पर ले बोल। क्या बोलूं इसके बारे में, पूछ क्या पूछना तुझे, बहुत पूछता है तू। जरा इसको यहाँ पर ला, ये निवेश जैसी औलाद कैसे पैदा करी ये निवेश जैसी औलाद कैसे पैदा करी आपने ये बताए। निवेश का दूसरा अंदर ऐसे मत पकड़, ऐसे मत पकड़ यार उसको, ले ऐसे पकड़, हाँ अच्छे से पकड़ ले, सही है। हाँ हाँ रुक 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 जा, एक फोटो ले जाओ, मेरी भी ले ले, थंबनेल में आएगी तो मेरी भी तो आने दे, ऐसे आओ ना फिर भयंकर मेरा कैमरा चमक रहा है। आराम से बैठ के जा रहा। तो गाइस कॉपी को मस्त करके एज ए स्टैंड या टेबल जो बोलते हैं उसको बना करके दूध पिया जा रहा है, और बाकी कॉलेज से आने के बाद में सो गया था। फिर उठा, डिनर किया, और हाँ आज मूवी भी देखी, एक फाइटर मूवी भी देखी। सो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, आपको मिलेंगे कल को नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, गुड नाइट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड करवाना ना भूलें। थैंक यू।